हाँ लेकिन अगर कल का पका हुआ खाना दोबारा खा लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा ठीक है, वो भी खा लेंगे, लेकिन अभी मुझे शॉर्मा खाना है बस। अच्छा खा लेना शॉर्मा, लेकिन स्पाइसी। स्पाइसी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। कभी कभी अच्छे होते हैं। अभी मुझे बहुत काम भी करना है घर जाके, टेंशन हो रही है, थोड़ी सी खुश नहीं होता। चले कौन है तुम? चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, पीछे पीछे हो जाओ। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं बता रही हूँ, मैं मारूंगी, पीछे हो जाओ। जया समझाओ बहन को। मैं बता रही हूँ, मैं मारूंगी। कौन है? पीछे तुम्हारी ऐसी किट कैसे? यहाँ से चल। चलो यहाँ से, चलो ना यहाँ से। ऐसा करो, टोराडोल इंजेक्शन ट्रिप में ला के दे दो। ठीक ठीक है डॉक्टर साहब। मेरी मिसेस? अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकती, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स आ जाएं फिर मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। डॉक्टर साहब मेरा मतलब है कोई मिसकैरेज वगैरह? कंडीशन इनकी काफी खराब है तो मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती, रिपोर्ट्स आ जाएं इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, आप परेशान ना हो। ठीक जी डॉक्टर, ख्याल रखें आप अपना। इलाही, मैं बच्चे को खोना नहीं चाहती, खुदा के लिए नहीं। आलिया आलिया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो बेबस हूँ। मैं माँ हूँ, अपने बच्चे से जुदा होकर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आलिया, कोई भी माँ अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद मेरी माँ भी मुझसे जुदा होकर यूं ही तड़पी होगी। बहुत बुरी हूँ राहिल, आज मेरे बच्चे की जान पर बनी, मुझे एहसास हुआ कि माँ क्या होती है। मैंने अपनी अम्मी को बहुत दुख दिया और तुम्हारी अम्मी को भी, इसीलिए मुझ पे ये वक्त आया। आलिया तुम देखो, तुम परेशान मत हो, तुम बस अल्लाह से दुआ करो। हमारी भी औलाद है, तुम भी दुआ करो। राहिल, आलिया राहिल मुझे बहुत तकलीफ है। आलिया सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। पता नहीं मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, तुम प्लीज मुझे माफ कर देना। फातिमा आदि की बातों में आकर मैं बहुत नुकसान किया है, मैं बेशक मर जाऊं, खुदा के लिए तुम बेबी अबॉर्ट करने की इजाजत मत देना इनको। सिर्फ तुम्हारी जिंदगी चाहिए आली, तुम्हारी जिंदगी। राहिल मुझे प्लीज माफ कर दो और प्लीज प्लीज अम्मी को बुलाओ। अच्छा तुम फिक्र ना करो, हाँ मैं भी जमीन आंटी को कॉल करता हूँ। नहीं राहिल, अपनी अम्मी को बुलाओ, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ।